Hello friends, welcome to our channel Study Basic. In this video we will do the sums of exercise 1B of ICSE class X. Okay, so let's start the video. So this exercise is related to chapter 1, which is GST. So first question is, for a dealer A, the list price of an article is 9000. ए के लिए एक लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस को आप जानते हैं मार्क प्राइस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं अभी किया गया है. तो 9000 थी एक ए के लिए, जिसने बी को सेल किया है, विच ही सेल्स टू डीलर बी कुछ लोअर प्राइस पे. ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, लोअर प्राइस. ठीक है, यानी कुछ उसने कुछ डिस्काउंट दिया और फिर उसने बी ने सेम आर्टिकल को एक कंज्यूमर को बेचा लिस्ट प्राइस पे. मतलब वही लोअर प्राइस इसने बढ़ाया है. एक्चुअली कहने का मतलब यह है, इफ़ द रेट ऑफ GST इज 18% एंड डीलर बी पेड अ टैक्स अंडर GST इक्वल टू ₹324. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे रेट ऑफ GST 18% है और डीलर बी ने जो है पेड किया है 324 के, डीलर बी ने 324 GST पे किया है गवर्नमेंट को. इट मीन्स इसका मतलब समझ रहे हो कि ये टैक्स लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं. 18% जैसे हम प्रॉफिट पे बचाते थे, तो यहाँ पे भी ये 324 बी क्यों देगा, क्योंकि उसने कुछ यही जो लोअर प्राइस है यही इन्होंने बाद में बढ़ाया है, तो ये इसके अकॉर्डिंग, ये बी के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट होगा, इसलिए ये क्या करेंगे उसी का तो ये टैक्स लाइबिलिटी देंगे. एक्चुअली कहने का मतलब ये है, बस इसको दूसरे तरीके से कहा गया है, लैंग्वेज इसकी चेंज है, बाकी बात वही टैक्स लाइबिलिटी की कर रहा है. तो अब हमें अमाउंट बताना है जिसमें GST इंक्लूड हो, जो पेड किया करेगा डीलर बी. ओके, तो सपोज करते हैं कि जैसे ए ने बी को सेल किया होगा एक्स रुपीज में, क्योंकि 9000 ने तो लिस्ट प्राइस है लेकिन उसमें कुछ लोअर प्राइस पे बेचा है, तो वो एक्स मान लेते हैं. तो नेट GST जैसे पेड बाय बी, नेट GST की बात करेंगे तो क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. ओके, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स जो कि कितना है 324. नेट GST की बात करेंगे तो कितना है 324 है, और आउटपुट टैक्स की बात करें डीलर बी के लिए तो वो 9000 में जैसे इसने बेचा है, क्योंकि वही लोअर प्राइस बढ़ा दिया था इसने, तो 18/100 अगर हम करेंगे 9000 से, तो 18 9 = 162 यानी 1620 आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा. इनपुट टैक्स की बात करें तो इनपुट टैक्स क्या है, 9000 में वो जो लोअर प्राइस माइनस किया गया है ना, वही तो उसने ख़रीदा होगा. इनपुट क्या होता है, जो परचेज पे आप करो, परचेज पे जो टैक्स दोगे वो इनपुट टैक्स होगा. तो परचेज इसने क्या किया था, लिस्ट प्राइस में से कुछ डिस्काउंट करवा के देन उसने ख़रीदा था. तो क्या किया, 9000 - x इज इक्वल, ये हो जाएगा आपका परचेज वाला. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम सपोज करो जैसे कोई हम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अगर हम लिख दें x + y को अगर हम ब्रैकेट में 2 लिख देंगे, तो 2x + 2y यानी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. ऐसे हम इसको भी कर सकते हैं, 18% ऑफ 9000 और 18% ऑफ माइनस 18% ऑफ एक्स. तो ये हम करेंगे तो 18/100 इंटू 9000, जीरो कट होगा, 1620 आएगा. एंड जो 18/100 यानी 18x, तो यहाँ नेट GST क्या हो जाएगी, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स जैसे बताया गया है, तो नेट GST कितनी है 324 और आउटपुट टैक्स 1620. और इनपुट, तो इसको जब हम लिखेंगे इनपुट टैक्स क्या है, 1620 जो आया है और माइनस 18x, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये 1620 प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, बचेगा 18x/100. तो यहाँ पे 18x/100 को 324 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो 1800 आएगी, x की वैल्यू 1800 आ जाएगी. यहाँ तक समझ में आई बात. तो ये चीज़ एक्स अगर हमें देखो, मैंने एक स्टेप वाइज समझाया, लेकिन एक आप इसकी जो कंक्लूजन देखो तो हमें क्या पता है कि ये लोअर प्राइस है, ये इसका प्रॉफिट रहा होगा. और प्रॉफिट पे पहले ही बताया गया है, नेट GST होता है कि प्रॉफिट पे, अगर नेट GST की बात करें तो प्रॉफिट का ही होता है, जो प्रॉफिट का GST लगेगा वही. तो यहाँ अगर हम लोअर प्राइस अगर यानी एक्स जानना होता, अगर हम सेकेंड मेथड देखें एक्स जानना होता, तो क्या हुआ, वो 18% जो GST लगा है वो प्रॉफिट पे लगा होगा या लोअर प्राइस पे लगा होगा. तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि लोअर प्राइस 18% ऑफ लोअर
प्राइस। तो यहाँ पर 18% ऑफ लोअर प्राइस की बात जब बात करेंगे हम, तो 18/100 इंटू, अगर हम लोअर प्राइस लिखते हैं, इज इक्वल टू 324 है, क्योंकि उसी के इक्वल है ये नेट जीएसटी या टैक्स लाइबिलिटी जो भी बोल दें। तो लोअर प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 324 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 18, और ये 1800 लोअर प्राइस आ जाएगा, यानी वही लोअर प्राइस जो इन्होंने जितना डिस्काउंट दिया था। तो वो एक इजी मेथड है जो अभी मैंने बताया, ये एक इजी मेथड है, इसको आप कर सकते हो, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहो तो वो भी मैंने समझा दिया है एक शॉर्टकट में, जैसे जल्दी अगर आपको क्वेश्चन करना है तो वो भी कर सकते हो, दोनों गलत नहीं है, बस आपको लिखना पड़ेगा उसमें, रीजन देना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस अगर बात करें बी के लिए, तो क्या होगा, 9000, सॉरी बी का सेलिंग प्राइस जो था, बी के लिए जो सेलिंग प्राइस था 9000 माइनस 1800 आई मीन 7200, और जो डीलर पेड करेगा तो कितना अमाउंट पेड करेगा, 18% ऑफ 7200 का पेड करेगा, यानी बी, क्योंकि इसके लिए जीएसटी इंक्लूड हो रही है, तो 18% ऑफ 7200 और प्लस 7200, ये 7200 क्या है, ये तो आपका जो ये खरीद रहे हैं सेलिंग प्राइस है, और प्लस 18% ऑफ 7200 की बात हो रही है, ये इस पे जो जीएसटी देंगे, क्योंकि लिखा हुआ है इंक्लूसिव जीएसटी बताना है, तो 7200 का जब ये निकालेंगे तो 1296 ये आएगा, यानी 1296 ये जीएसटी हो जाएगी इसकी, और इसको हम 7200 जो इसका सेलिंग प्राइस है दोनों को ऐड कर देंगे, तो अमाउंट टोटल जो हो जाएगा 8496। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मार्क प्राइस की बात की गई है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6000, यानी 6000 एक मार्क प्राइस है, और होल सेलर उसको एक डीलर को देता है 20% डिस्काउंट पे, कितने परसेंट डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। डीलर फर्दर सेल करता है आर्टिकल को, एक कस्टमर को देता है, वो फिर डिस्काउंट ऑफ 10% देता है, लेकिन यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मार्क प्राइस पे दे रहा है, ये चीज़ समझने वाली है, ये नहीं कि जो होल सेलर ने ख़रीदा था उस पर दे रहा है डिस्काउंट 10%, ये मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट दे रहा है। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी एट ईच स्टेज इज 18%, यानी हर जगह पे 18% ही लग रही है जीएसटी, तो हमें बताना है कि अंडर जीएसटी पेड जो है डीलर कितना देगा गवर्नमेंट को, ठीक है, अमाउंट कितना पेड करेगा। तो हमें पता है कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल जो है 6000 है, डिस्काउंट के बाद वो आर्टिकल कितने के बचेगा, जो एक्चुअली वो ख़रीद रहा है, डीलर ख़रीद रहा है डिस्काउंट के बाद, तो यहाँ पे 20% जो हो जाएगा वो कॉस्ट प्राइस होगा डीलर के लिए। और आपको बताया है कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी आर्टिकल, कोई भी वैल्यू जो होती है 100% होती है अपने आप में, जब वो 20% डिस्काउंट दे दी जाएगी तो कितनी बचेगी, 18%, तो हम 6000 का 18% निकालेंगे, तो वो आएगा 18/100 मल्टीप्लाई बाय 6000, जीरो से जीरो कैंसिल करोगे, 00 आप लिखोगे, 8 6 48, 4800 हो जाएगा। फिर बात करेंगे जीएसटी पेड बाय डीलर, अब जीएसटी जो पेड करेगा डीलर कितना करेगा, तो 4800 पे पेड करेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यानी ख़रीदा तो इतने में ही है, तो इतने पे ही पेड करेगा। तो यहाँ पर 18/100 मल्टीप्लाई बाय 4800, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई बाय 48, ये होता है 864। अब देखो इसके लिए मैंने फिर से वही है कि थोड़ा सा बताया है ट्रिक, ट्रिक क्या है एक्चुअली बेसिक है, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 48 जो लिखा हुआ है इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो एज यू विश, और यहाँ पे हम कर रहे हैं 18 को 50 माइनस 2 करके, क्योंकि इसका मतलब भी वही होता है, तो 18 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत आसान है, जीरो तो हम लिख ही देंगे, 18 5 जा 90 होता है, तो 900 और 18 2 जा 36, उसमें माइनस करेंगे तो 864 ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमें बताना है कि डीलर ने उसको वो फिर से सेल किया किसको, कस्टमर को 10%, लेकिन ये मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस पहले कितना था, 6000 था, तो 6000 पे 10%, फिर से मैं वही बात करूँगा कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो वो क्या हो जाएगी, 10% अगर डिस्काउंट हुआ तो 90% बचेगा, 90% मल्टीप्लाई बाय 6000, तो यहाँ जीरो से जीरो आप कैंसिल कर दोगे तो 00 96 या 54 मीन्स 5400 में होगा, और इस पर जीएसटी जो चार्ज होगी वो 18% ऑफ 15400, क्योंकि अब ये कॉस्ट प्राइस हो गई, तो 18, और ये किसके लिए कॉस्ट प्राइस होगी, ये कॉस्ट प्राइस होगी कस्टमर के लिए, और सेलिंग प्राइस होगी इस डीलर के लिए, क्लियर है। तो 18/100 मल्टीप्लाई बाय 5400, जीरो से जीरो कैंसिल करोगे,
अगेन हम वो कर सकते हैं 18,5 जा 900 और 18,4 जा 72 ऐड करके 972 लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना कोई उसमें खास कुछ नहीं है। फिर हम बात करेंगे कि अब अमाउंट ऑफ टैक्स यानी जो पे किया डीलर ने तो वो क्या करेगा। एक्चुअली वही टैक्स लायबिलिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स जब हम करेंगे तो 972 इसको मिला है, जीएसटी इसने चार्ज किया है। यहाँ पे जीएसटी पेड किया था, तो पेड किया था वो इनपुट था, चार्ज किया है मतलब उसने कस्टमर से लिया है। तो 972 माइनस इनपुट टैक्स, तो इनपुट टैक्स कितना है 864, ठीक है। तो क्या बचेगा 108, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या कहा गया, फॉर अ ट्रेडर ए मार्क प्राइस ऑफ आ रेफ्रिजरेटर इज 15,680। इसमें जीएसटी एक्सक्लूसिव है यानी इसमें एक्सक्लूड है, नहीं इंक्लूड नहीं है। जीएसटी इज 12%। गगन अ कस्टमर फॉर दिस रेफ्रिजरेटर, यानी एक जो कस्टमर उसका नाम गगन है वो रेफ्रिजरेटर ख़रीदना चाहता है, लेकिन उससे क्या कहता है, जो ट्रेडर से कहता है कि भैया एक काम करिए आप इतना जो रिड्यूस कर लीजिए कि जो प्राइस हो, प्राइस के बाद उस पर जो जीएसटी लगी उन दोनों का जो सम हो वो 15,680 हो, आप इतना प्राइस रिड्यूस करिए। इसने ये नहीं बताया कि कितना रिड्यूस करना, आप उससे एक कंडीशन रखी। एक्चुअली वो बताया कि जो भी आपने बताया 15,680 वो मुझे फाइनल देना पड़े, ये नहीं कि इसमें हम दें इसके ऊपर आप जीएसटी लगाओ तो वो भी पेड करें। तो कुछ इतना कम कर लीजिए कि जो आप सेल कर रहे हो वो प्राइस और प्लस इस पर जो जीएसटी लगेगी उसको दोनों को ऐड करने के बाद 15,680 होना चाहिए। तो वही चीज़ इन्होंने देखो कही कि रिड्यूस द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर टू सच एन एक्सटेंट दैट इट्स रिड्यूस्ड प्राइस प्लस जीएसटी, रिड्यूस प्राइस प्लस जीएसटी इज इक्वल टू मार्क प्राइस। ओके किसका, रेफ्रिजरेटर का। तो हमें रिक्वायर्ड रिडक्शन बताना है कि कितना रिडक्शन वो करे ताकि ये ऐसा हो जाए। तो मान लेते हैं कि वो सेल प्राइस यानी जो सेल प्राइस था वो एक्स था, मान लेते हैं कि वो एक्स पे सेल करता तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, मार्क प्राइस क्या होगा, डिस्काउंटेड प्राइस यानी सेलिंग प्राइस जो अभी एक्स मैंने माना है और उस पर डिस्काउंटेड प्राइस दोनों को ऐड करके ही तो इसने कहा था कि 15,680 होना चाहिए, तो वही करा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स प्लस 12/100, जैसे 12% ऑफ एक्स हुआ तो 12/100 इंटू एक्स हो जाएगा और इन दोनों का सम जो हो जाएगा वो 15,680 होना चाहिए। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 100x यानी 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x प्लस 12x ये हो जाएगा बाय 100 इज इक्वल टू 15,680। तो 112x बाय 100 इज इक्वल टू 15,680, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब क्या होगा, x की वैल्यू जो आ जाएगी उसको जब सॉल्व करोगे तो 15,680 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 112। अब आप सोच रहे होगे ये कैसे आया, तो ये जो इधर यहाँ पे डिवाइड है ये जा करके इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो ये आकर के डिवाइड में आ गया, तो वही चीज़ है। तो 112 1 जा 112 होता है, यहाँ पे 44 बचेगा, 44 इसको ऐड करोगे तो 448 हो जाएगा, जो 112 4 जा 448 होता है, कैंसिल हो जाएगा, 112 0 जा 0 तो अब ये 30 आप लिख लोगे, 14 1 जा 14 तो ये आपका आ जाएगा 14,000। ये क्या आया, ये सेलिंग प्राइस आई है क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आई है, x मैंने क्या माना था, x मैंने x एस सेलिंग प्राइस को माना था। तो गगन ने जो मान लेते हैं कि रिडक्शन कराया है वो कितना कराया है, तो वो y मान लेते हैं, तो 15,680 इनका लिस्ट प्राइस था यानी मार्क प्राइस था, 14,000 ने इनको बेचना है तो उसमें यानी 1,680 ये रिड्यूस करा रहे हैं एक्चुअली। तो रिक्वायर्ड रिडक्शन जो प्राइस है वो 1,680 है। ओके तो ये वीडियो यहीं पे फिलहाल एंड होता है। अब एक्चुअली ये जीएसटी चैप्टर जो है ये मैंने इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है किसी क्वेश्चन को लेकर के, किसी बेसिक में कोई जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा और आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा, क्योंकि मैंने इसी मोटिव से लेक्चर लेना शुरू किया है। एक इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि आप सर पहले बैंकिंग से ना शुरुआत करिए, अब जीएसटी के बाद बैंकिंग में स्टार्ट करने वाला था, बैंकिंग आप बाद में पढ़ा दीजिएगा, पहले आप ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सर्कल है, ये सारे चैप्टर क्लियर करा दीजिए। तो
मुझे भी लगा कि सही है चलो, लेकिन ये है कि मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो ट्रिग्नोमेट्री पे होगा, और आप लोग उसको देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। और आप परेशान मत होइए, 9, 10, 11, 12 सबके मैथ्स के सारे सिलेबस मैं टाइम के अंदर ही कंप्लीट करूँगा, सो डोंट वेरी गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।